हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डबल हैंडल। ये जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि ये सिंगल हैंडल है, अब ये इसका है ना दुगुना है इसका लंबाई ऐसा है। और आप इस कलर देखिए ये, और इसमें ये वही मैकेनिज्म है जो सिंगल हैंडल में था जो आपके वो पहले वीडियो में देखे थे। ये जो मैंने ये कलर चूज किया है ना उसका मैचिंग है डबल हैंडल में। और इसमें ना कुछ एक चीज बताऊं, ये जो सिंगल हैंडल है उसका हाथा तो देखे होंगे, अब इसमें अलग है ये हाथा ना। अब इसके इसको फिट करने के लिए ये बना है, ये दोनों ये देख लीजिए, ये दोनों बने हैं ऐसे। क्या है, अगर ये सब पार्सल में जाता है ना तो ये दो हाथा है ना सीधा रहता है, और है ना कोई लोग है ना इसको पटक देते हैं तो ये दो हाथ मुड़ जाते हैं। इससे क्या है, ये डैम इससे ना इसको ऊपर करेंगे तो हाथ से नड़ेगा तो खरोच पड़ेगा, इसलिए इसका ये प्रयोग किया है कि ये इसको खोल के ऐसे रखें। आपको उसका अंदर का हाथा दिखाऊंगा, इसमें इसमें है इसमें हाथा। और ये जो कलर है ना ये गोल्ड है और ये कॉफ़ी है, इसमें गोल्ड कॉफ़ी में इसका टेक्सचर मिक्स है और ये मस्त दिखता है। ये इसको टंगाएंगे ना तो और भी मस्त दिखेगा। और हाँ, अगर मान लो कि अगर रूम में ज़्यादा स्पेस होगा तो इसको डबल हैंडल पर टंगा सकते हो। और ये बड़ा है उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसका लेंथ और ये बेस का। और इसमें अगर मान लो कि दीवार के पीछे रखोगे तो पीछे का आपको स्क्रैच पड़ेगा इसमें इधर से। इसको खुली जगह या आपकी मर्जी हो सकती है, आपकी है, इसको तो बाहर या अंदर भी करा सकते हो ऐसा है। और इसमें तो मैंने बोला था कि पहले वीडियो में ये मैंने मैकेनिज्म को बताया आपको, ये वही मैकेनिज्म है जो सिंगल हैंडल में था। सिंगल हैंडल वो मैकेनिज्म ऐसे ये सेम। अभी मैं खोलता हूँ इसको, और ये जो मैंने ये बताया है कि इस नट बोल्ट से बना है, इसको जोड़ा गया कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसको मैं खोलता हूँ, तो ये मैं अभी इसको खोलता हूँ। खोलने के बाद हम इसको खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये दो हाथा है, हम इसको दो हाथों को निकालेंगे। इसके बाद आपको ये जो दो रिंग है इससे वो ये दो रस्सी है देख सकते हैं, ये देखो ये ऊपर का और ये नीचे से जुड़ा है। आपने कोई इस लोग ने वो खरीदे होंगे तो आपको पता होगा, इसलिए मैं और इसको रिव्यू बता रहा हूँ कि ये सिंग डबल हैंडल का। आप ये देखिए कि हमने इसके ये निकाला है, ये जो दो हाथा है, ये दो हाथा है इसका क्या करना है कि इसमें इसको जॉइंट करना है। एक साइड इधर रहेगा, शिपिंग में हम पार्सल भेजते हैं तो उसमें इसमें आर आर लगा होता है और इसमें एल लगा होता है। एल मतलब लेफ्ट साइड और आर मतलब राइट साइड। इसको आपको कन्फ्यूजन ना होगा कि राइट साइड को लेफ्ट में लगा दोगे, लेफ्ट में राइट में लगा दोगे। ये आपको आपको दिखाएगा इसमें ये आर वाला, इसमें अभी ये शिपिंग नहीं किया है ऐसा है। अभी आपको मेरे को पता है कि इस साइड है, इसलिए हमने इसको इस साइड रखा और इसको इस साइड रखा जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। बस ये इस साइड इधर जाएगा और इस साइड हम इसको ज्वाइंट करेंगे। हम ऐसे ज्वाइंट करें दो साइड ऐसा, ये देखिए इसको हम बैलेंस में इसको ज्वाइंट करेंगे। इसको हमने ना आपको देर लगेगा, अभी ज्वाइंट करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसको हमने ज्वाइंट कर दिया है, ये फिट हो गया है। ये ऐसा ही है, हमने इसको ऐसे सोचे हैं कि इसको खोलेंगे तो उसमें इसका अंदर में डाल देंगे ऐसे, और इसे हम शिपिंग करेंगे तो ये खोल के हम इसको अंदर डालेंगे ऐसा। अब ये तो अभी
आसान हो गया इसको दौड़ने में, इसको आसान हो गया। अब इसको हम टंगाएंगे, और हम टंगाने से पहले आपको वो तीन सरिया दिखाएंगे जो हमने दिखा चुके हैं। आपको तो पता होगा ये तीन सरिया, ये तो ये तीन होता है अभी, तीन सर हमने दो क्यों लिया इसका, वो रूम का तो आपको पता होगा मीडियम में, और ये हम इसको टंगाएंगे तो बैलेंस में इधर रहेगा, इस लेवल में रहेगा, इस लेवल में हाथ दिखा रहा हूँ, इसे क्या बैठे में आसानी होगा, बैठेंगे तो बस। अभी इसको हम टंगाएंगे ऐसा है। अभी टंगाने से पहले आपको दिखाना है कि ये वाला वैसी सेम मैकेनिज्म है, बस आपको क्या करना है कि इसको ऐसे निकालना है और दूसरे साइड से निकालना है। बस अब इसको हम सीधा करेंगे तो सीधा होगा तो ये 90 डिग्री में आ जाता है, या इसे 90 डिग्री थोड़ा आगे हो जाता है ऐसा है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें अगर मान लो इसमें स्क्रू डालना है, इधर स्क्रू डालेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे लॉक कर देंगे, ऐसे लॉक कर देते हैं, ज़्यादा ऐसा होगा, लॉक कर देते हैं, ये तो लॉक हो ही जाएगा ऐसे। अभी आप देख सकते हैं हमने इसको टंगा दिया है, बेसिकली इसका ये हमने इसको बीच में ऐसे टंगा दिया। अगर आपको ऐसे इस साइड इधर रखना है तो दूसरा एक ऐसे ऐसे सेम इस पे यहाँ लगाना है, जो ऐसे सीधा रहेगा, दो दूरी ऐसे सीधा रहेगा तो किसी को नड़ेगा नहीं बैठने में, इधर साइड से बैठेंगे कुछ लोग ऐसा है। ये तो दो सीट या तीन में, दो या तीन में सीट ऐसा है, तो स्पेस है ऐसा इसलिए। और ये हमने इसको टंगाया है तो उसका देखो आप आराम से लेट सकते हैं, सीधा नहीं है ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऊपर हो गया ना ऐसे ऊपर, और इस साइड ऐसा हो गया, और हमने इसको दो स्क्रू ये लगाए और ऊपर एस रिंग लगाए जिसे कहीं टंगा है, और ये बैलेंस भी कर रहा है ऐसे। हमने इसको हाथा जोड़ दिया है जिससे क्या है कि ये बॉर्डर ऐसा हो, इसमें जब ऐसे साइड में बैठे तो गिर ना जाए ऐसे, इस बात के लिए सेफ्टी है। और हम बैठेंगे तो ऐसा लगेगा, बैठे तो ऐसा है, देखो हम तो बैठ गए जिसका हमें आना ऐसे कंफर्टेबल लगता है, कंफर्टेबल। दो लोग बैठ सकते हैं ऐसे, मैं एक जन बीच बैठा हूँ तो दो लोग बैठ सकते हैं ऐसे। और ये कलर भी बहुत मस्त है, ये कलर भी आपको ऐसे ही मस्त लग रहा है। अब इसका रिव्यू दे, अब इसका देखिए डबल हैंडल का प्राइस और इसका सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये तो इसका ये जो दो लोग बैठ सकते हैं, इससे मोटे लोग भी बैठ सकते हैं, और हाँ ये तो तकिया भी लगा सकते हो, इसमें तकिया भी लगा सकते हो कि आपको आराम मिलेगा। इसको तो आप है ना प्ले इधर कहीं रूम में भी लगा सकते हो, रूम में, घर के बाहर या घर के अंदर ऐसा है। बेसिकली घर के अंदर ही ठीक लगता है ये तो, अगर किसी को मन है तो घर के बाहर भी लगा सकते हो। हमने इसका जो दो जो स्क्रू है, जो स्क्रू है इसको लॉक कर दिया हमने, जिससे क्या है कि ये सीधा ऐसे ही रहे, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में रहे। अगर इसको स्क्रू को बाहर करेंगे ना तो ऐसा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, डोरी के सारे वो ऐसे हो जाता है, इसलिए हमने स्क्रू लगाया जिससे क्या है कि इस ऐसे इस डायरेक्शन में फिट रहे, फिक्स रहे ऐसा। और है ना बैठने में आसानी हो ऐसे। चलिए इतना ही दिखा सकता हूँ, और
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।